प्यार कोई खैरात नहीं होती कि किसी की भी झोली में डाल दिया जाए। प्यार तो प्यार होता है, वो जो किसी को मिल जाए तो मोहब्बत और ना मिले तो इबादत। आदरणीय श्रोता नमस्कार, सुन रहे आप लोग स्टोरी विथ अरुण, और स्टोरी विथ अरुण के साथ में मैं हूँ आप लोग का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से स्टोरी विथ अरुण की विशेष पेशकश होमोसेक्सुअलिटी और गे लव रिलेशनशिप यानी कि एलजीबीटी कम्युनिटी को समाज में एक बार पुनः स्थापना करने के लिए एक छोटी सी प्रयास। आज के एपिसोड में आप लोग सुनेंगे एबी शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत या कुर्बानी, इसी कहानी की 12वीं कड़ी यानी कि एपिसोड 12। दो लड़कों की प्रेम की एक दर्द भरी कहानी। हमारे समाज में आज भी गे लव रिलेशनशिप को यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को लोगों को देखने और समझने का नज़रिया वही है जो आज से बरसों पहले रही है। एलजीबीटी कम्युनिटी के कई सारे मेंबर्स और लोगों को आज भी समाज में नफरत और घृणा की नज़रों से देखा जाता है, उनका अपमान और तिरस्कार किया जाता है। जबकि देखा जाए तो वो भी हमारे ही समाज के अभिन्न अंग होते हैं, हमारे ही समाज का हिस्सा होते हैं, आप और हम जैसे ही मानवीय संवेदना से भरे हुए होते हैं। तो फिर उनके साथ ये बदसलूकी और ज़्यादती क्यों? समाज के लोगों को उनके प्रति की नज़रिया बदलने के लिए स्टोरी विथ अरुण की एक छोटी सी पहल। आज आप लोग सुनेंगे एबी शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत या कुर्बानी, इसी कहानी की 12वीं कड़ी। इससे पहले कि मैं आज का ये एपिसोड शुरू करूं, जो फ्रेंड्स पहली बार इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि स्टोरी विथ अरुण चैनल यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है जिस पर आप लोग हिंदी भाषा की कथा कहानी साहित्य उपन्यास नाटक गज़ल को सुन सकते हैं। अगर मैं समग्र रूप में कहूँ तो हिंदी साहित्य को आप लोग सुन सकते हैं ऑडियो बुक के रूप में। तो जो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं और जिन्हें हिंदी साहित्य सुनना और पढ़ना पसंद हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसी लग रही है। तो चलिए अब शुरू कर रहा हूँ मोहब्बत या कुर्बानी, दीपक और प्रकाश की कहानी जिसे आप लोग बीते दो हफ्तों से सुनते आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं लेकिन शायद जमाने को उनकी ये मोहब्बत मंजूर नहीं। घर में खुद दीपक की माँ नहीं चाहती कि उनका बेटा एक लड़के से प्यार करे और इसीलिए माँ बहुत पैतरे बनाती है और कई सारे षड्यंत्र भी रचती है और दोनों को अलग करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दीपक की बहन स्वाति ये चाहती है कि उनकी भाई अपनी मनपसंद जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी बिताए। इधर प्रकाश भी दीपक से अलग हो जाता है लेकिन फिर भी स्वाति अपनी हिम्मत नहीं हारती और हर बार एक आखिरी कोशिश जरूर करती है ताकि उसके भाई को अपना जीवन साथी मिल सके, उसके मन मुताबिक उसे सच्चा और बेइंतहा प्यार करने वाला। तो आइए फ्रेंड्स आज के एपिसोड में देखते हैं कि स्वाति की क्या ये आखिरी पहल कामयाब हो पाती है। तो सुनिए एबी शर्मा जी की कहानी मोहब्बत या कुर्बानी, इसी कहानी की 12वीं कड़ी आरजे अरुण के साथ। स्वाति दरवाजा नॉक करती है। भैया
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीपक बोलता है, अरे हाँ स्वाति, आओ ना। स्वाति, भैया मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? भैया, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि प्रकाश भैया ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपके साथ वो विश्वासघात कर सकते हैं? मन तो नहीं मानता स्वाति, पर क्या करूं, जो सब देख रहा हूं उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि सच यही है। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी पैदा हो गई हो, और क्या आप इस तरह से शादी करके खुश रह पाओगे सारी उम्र उस लड़की के साथ जिससे आपने कभी प्यार नहीं किया? आप प्यार किसी और से किए, क्या आप प्रकाश भैया को भूल सकोगे? क्या आप उनके बिना रह पाओगे? क्या आपने कभी उनसे कुछ क्लियर करना जरूरी समझा, या बस जो देखा उसे हकीकत मान लिया? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है स्वाति, तुम कुछ कहना चाहती हो पर खुल के कह नहीं पा रही हो। कोई बात है क्या तो प्लीज बताओ मुझे। भाई, पहले तुम एक बार सोच के देखो कि ये सब क्या सही हो रहा है? क्या आपका तृष्णा से शादी करना सही होगा? भाई, अभी भी टाइम है, कहीं देर ना हो जाए। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के खुद अपने आत्मा से पूछो, क्या सच में प्रकाश भैया तुम्हें धोखा दे सकते हैं? क्या वो आपके सिवा किसी दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं? हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरा शादी करने का डिसीजन सही नहीं, इसे हम तीनों की जिंदगी उलझ कर रह जाएगी। ना मैं खुश रहूंगा, ना तृष्णा, और शायद ना प्रकाश। शायद नहीं, सच में प्रकाश भैया बहुत दुखी है, मेरा विश्वास करो भैया, वो बहुत दुखी है। स्वाति, तुम कुछ छुपा रही हो, प्लीज जो बात है खुल के बोलो। भैया, जैसा प्रकाश भैया आपको दिखा रहे हैं वैसा कुछ? बस स्वाति बस। अचानक कमरे में माँ की जोरदार आवाज गूंज उठती है, कैसी बहन हो तुम, जहां तुम्हारा भाई की शादी होने जा रही है और तुम उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता स्वाति ने कुछ गलत कहा है, दीपक ने स्वाति की ओर से कहा। ये शादी मुझे नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी में तो नहीं। मैं आज ही तृष्णा की फैमिली को मना कर दूंगा, मुझे पता है प्रकाश गलत नहीं कर सकता मेरे साथ, बात जरूर कुछ ना कुछ तो रही होगी, आखिर वो इस तरह से अचानक कैसे बदल सकता है? मुझे उससे मिलके सब बात क्लियर करनी होगी, बिना सच्चाई के जाने मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता माँ, कभी नहीं। मैं अभी जाता हूँ प्रकाश के पास। लेकिन तभी माँ दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है, नहीं दीपक, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। पर माँ, ये सही नहीं होगा, ये धोखा होगा मेरे प्रकाश और तृष्णा के साथ। किसके लिए शादी तोड़ रहे हो तुम? हाँ, माँ की आवाज जैसे कमरे में गूंज उठती है, उस राह चलते लड़के को जिसको तुम रास्ते से उठाकर अपने घर ले आए और घर में पनाह दी, और उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चला गया? ऐसे धोखेबाजों के साथ तुम रिश्ता रखना चाहते हो? उसकी तो खून में ही धोखा है, क्या पता कौन है, कहां से आया है, डाकू लुटेरा, और कल को मुझे मार दे, तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो, या फिर चोरी करके घर से भाग जाए तो? ऐसे लोगों की यही फितरत होती है बेटे। बस कीजिए माँ बस, प्रकाश के बारे में प्लीज आप इतना बुरा तो मत बोलिए,
अचानक दीपा की दर्द भरी आवाज जैसे माँ की आवाज पर भारी पड़ने लगती है। आप बात को कितना बढ़ा रही है मुझे पता है, प्रकाश कभी कुछ गलत नहीं कर सकता माँ, पर हम कहीं ना कहीं उसके साथ गलत जरूर कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ माँ सब कुछ क्लियर करने, क्योंकि जब तक मैं अपने और प्रकाश के बीच के सारे डाउट को क्लियर नहीं कर देता, इस शादी के लिए मैं मेंटली तैयार नहीं हो पाऊंगा माँ, कभी नहीं। प्लीज़ आप हालात को समझने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर दीपक घर से जाने लगता है। माँ टेबल पर पड़े चाकू को उठाती है और बहुत ही क्रूर आवाज में कहती है, रुक जा दीपक, वहीं पे रुक जा, ठीक है तू जाना चाहता है ना, जा जरूर जा, पर आज तेरे जाने से पहले इस घर में मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा तुझे। तुम्हें उस लड़का या अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तू ये शादी करेगा या फिर मेरी लाश से गुजर कर प्रकाश के पास जाएगा। मैं अपने जीते जी ये अनहोनी कभी नहीं होने दूंगी। समाज में हमारी इतनी बदनामी, इतनी तिरस्कार, किसी को हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कल बिदागरी वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, किस किस को बताते फिरूंगी कि मेरे लड़के ने एक लड़का से प्यार किया है और उसी से शादी करना चाहता है। नहीं, इस उम्र में मुझे ये बेइज्जती सहना बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पहले कि ऐसा तो कुछ भी करे, मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर माँ अपने पेट में चाकू मारने लगती है। तभी दीपक चीखता है, माँ ये क्या कर रही हैं आप, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए माँ। स्वाति दौड़ के माँ के हाथ से चाकू छीन लेती है। माँ मुझे प्रकाश के पहले आप जरूरी हो, आप मेरी माँ हो, मैं आपको ऐसा कैसे, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, आप जैसे बोलोगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज़ माँ आइंदा फिर आप मरने की कभी भी बात मत कीजिएगा। इतना कहकर दीपक नम आँखों से वहाँ से बाहर चला जाता है। दीपक के जाने के बाद स्वाति बहुत गुस्से में नज़र आती है। वो बोलती है, वाह माँ वाह, क्या ड्रामा किया है आपने, भले ही आज आपने दीपक भैया को तो अपने जाल में फंसा लिया, पर जिस दिन उनको हकीकत का पता चलेगी वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा माँ, कभी नहीं करेंगे। जब वो आपका असली चेहरा देखेगा वो कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। माँ स्वाति को करके चुप कराती है। नहीं स्वाति नहीं, तू अभी बहुत नादान है बेटी, तूने अभी ये दुनिया देखी ही कहाँ, और मैं माँ हूँ, मुझे दीपक की भलाई के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी, मैं एक माँ हूँ, चाहे वो मेरे मरने के नाटक क्यों ना हो, मैं नारी हूँ 16 कलाओं से परिपूर्ण, और एक नारी जानती है उसे किस समय अपनी कौन सी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। अगर अपने बेटे के बचाने के लिए मुझे अपने लाश से भी गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी उसे उस लड़के से शादी कभी नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। कल को ये समाज प्यार नहीं देखेगा, अगर दीपक उस लड़के से शादी कर लाता है तो हमारा इस घर से बाहर पांव रखना भी नामुमकिन हो जाता, ये समाज न उसे जीने देती और ना ही मुझे। ताने मार मार कर अपमान का विष पी कर हम सबको अपने ही घर में सुसाइड कर लेना पड़ता, और हमारे आगे का वंश उसका क्या, वो लड़का बढ़ाता देता तो मुझे पोता या पोतिया, ये लड़का लड़के के प्यार फिल्मों में ही सही लगता है बेटी, असल दुनिया में इसका कोई वजूद नहीं होता, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ दीपक के अच्छे के लिए कर रही हूँ, अगर उसकी शादी तृष्णा से हो जाती है तो कल को इस घर को हमारे वंश आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर
दीपक और प्रकाश का रिश्ता हो जाता है तो उन दोनों की शादी से हमें क्या मिलेगा, कैसे बढ़ेगा ये वंश? स्वाति माँ को अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, समाज कौन सा समाज माँ, आप किस समाज की बात करती है? समाज जो सिर्फ तमाशा करना जानता है, भले अपने घर की आग वो बुझाना पाता रहे हो पर दूसरे की घर जलाने जरूर जाएंगे। और मैं थूकती हूँ ऐसे समाज पर जो समाज दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच दीवार बनकर पैदा हो जाती है, जिन्हें खुद अपने घर में क्या हो रहा है ये नहीं दिखता लेकिन दूसरे के घर में ताका झांकी करते हैं। आप ऐसे समाज की परवाह कैसे कर सकती है माँ, भला कैसे? और इतना कहकर स्वाति भी गुस्से में वहां से चली जाती है। स्वाति के जाने के बाद माँ जैसे एक सुकून की लंबी सांस लेके छोड़ती है। उफ, आज अगर सही समय पर न आती तो सारा किए कराए पर ये लड़की पानी फेर देती। स्वाति तो आज बता ही देती दीपक को और बस सारा खेल खत्म हो जाता। चलो फिलहाल अब सब सही है, मैं कल की तैयारी करती हूँ, बस किसी तरह कल का दिन निकल जाए, बस फिर दीपक और प्रकाश हमेशा के लिए अलग। किसी भी तरह मैं दीपक की शादी उस लड़की से करा दूँ, फिर मुझे इस ड्रामे को झेलना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डे शादी का दिन होता है, चारों तरफ घर में शादी का माहौल होता है, रस्में रिवाज होने लगती है, दीपक की हल्दी मेहंदी लगने लगती है, पर दीपक का चेहरा एकदम सा उतरा हुआ होता है, जैसे दूर दूर तक उसके चेहरे पर कोई भी खुशी कोई भी मुस्कान, शादी वाला कोई भी खुशी उसके चेहरे पर नहीं होती, उदासी साफ चेहरे पर झलक रही होती है। दीपक बोलता है, स्वाति इधर आना। आई भैया, क्या हुआ? क्या हुआ, प्रकाश अभी तक नहीं आया क्या? वो सही तो है ना? पता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मन में घबराहट सी हो रही है स्वाति, जैसे बहुत कुछ गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों, आज से पहला ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे साथ, बहुत जी घबरा रहा है स्वाति। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। भैया गलत तो हो ही रहा है, बहुत गलत, पर अब हमारे हाथ कुछ भी नहीं, बस दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहने के सिवा। बट डोंट वरी, मैं प्रकाश भैया को कॉल करके पूछती हूँ वो कब तक आएंगे। दीपक कहता है, ठीक है। उधर दूसरी तरफ मुराद, उठो प्रकाश, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मुझे किसी का गम नहीं है मुराद, बस इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं चाहकर भी दीपक को सच नहीं बता पाया, उसकी नजरों में खुद को गिरा बैठा। शायद मुझे अब उम्र भर दीपक की नजरों में गलत बनकर ही जीना होगा। मुराद कहता है, डोंट वरी, समय के साथ सब सही हो जाएगा, सब सिखा देती है ये जिंदगी, सब शिकायतें भी मिट जाएगी और सब गिले शिकवे भी। आज दीपक की शादी है, हमें अब चलना चाहिए, वो राह देख रहा होगा हमारा, आज आखिरी बार अपने प्यार को देख लो, शायद फिर मिलना नसीब में हो या ना हो। मतलब हम परसों ही मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मुराद के इतना कहते ही दीपक प्रकाश जैसे चौंक जाता है, इतनी जल्दी? हाँ, मुझे यही सही लगा, तुम जितना जल्दी दीपक से दूर हो जाओगे उतना ही उसे भूलना भी तुम्हारे लिए आसान होगा और तुम उसे भूलने में मदद भी होगी। इस माहौल में यहाँ रहोगे तो तुम दीपक को कभी नहीं भूल पाओगे और अंदर ही अंदर टूटते रहोगे, वरना जहाँ वो बार बार तुमसे मिलने की कोशिश करेगा और फिर तुम हमेशा इस दर्द में ही अपनी लाइफ गुजारते रहोगे। मुराद की बात
बहुत ध्यान से तू सुनने के बाद दीपक कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो मुराद, हमें इस माहौल से दूर जाना ही होगा। जब तक मैं इस माहौल से यहाँ से दूर नहीं जाऊँगा, तब तक शायद मैं दीपक को कभी नहीं भुला पाऊँगा। अभी इन दोनों की बातें चली रही होती है कि तभी स्वाति का कॉल आता है। हेलो भैया, कहाँ हो आप? दीपक भैया, आपकी कब से राह देख रहे हैं। इधर प्रकाश कहता है, बस आ ही रहे हैं स्वाति, आखिरी बार दीपक से मिलने। आखिरी बार क्या मतलब भैया? स्वाति जैसे चौंक जाती है और प्रकाश कॉल कट कर देता है। प्रकाश के इन शब्दों ने स्वाति के दिमाग में जैसे हलचल पैदा कर दिया था। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिर कुछ तो है प्रकाश भाई के माइंड में, पर क्या? उन्होंने क्यों कहा कि बस आ रहे हैं आखिरी बार दीपक से मिलने? स्वाति इसी सोच में पड़ जाती है। उधर नेक्स्ट डे शादी की रात। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा खेल, और इस खेल में मैंने उसे हमेशा ही हमेशा के लिए खो दिया। क्यों किया आपने ऐसा? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आपने एक साथ तीन तीन जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, बस बर्बाद कर दिया। गाइज, अब आखिरी दिन है, तो क्या कोई उम्मीद होगी बाकी, या अंत होगा फिर से एक प्यार करने वाली जोड़ी की कहानी का? क्या ये दोनों प्यार करने वाले इस आखिरी उम्मीद की डोर पर मिल पाएंगे, या फिर एक बार इस समाज के सामने दो प्यार करने वाले समाज की रूढ़िवादी सोच और विचार के आगे अपनी प्यार की आहुति दे देंगे? जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए स्टोरी विद अरुण पे, कहानी मोहब्बत या कुर्बानी, जिसे लिखे हैं एवी शर्मा जी ने। और स्टोरी विद अरुण पर इसे आप लोग को सुना रहा था हमेशा की तरह मैं, आप लोग का आरजे दोस्त अरुण गिरी। आज इस कहानी की 12वीं कड़ी यानी कि एपिसोड 12 सुने आप लोगों ने। कल के एपिसोड में इसी कहानी की 13वीं कड़ी यानी कि एपिसोड 13 लेकर मैं ज़रूर वापस आऊँगा। जुड़े रहिएगा स्टोरी विथ अरुण चैनल के साथ और जानिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश और दीपक की प्यार की ये कहानी आगे किस मोड़ पर अंजाम लेती है। एक तरफ माँ है जो किसी भी हालत में दीपक की शादी प्रकाश से नहीं होने देना चाहती। उन्हें अपना समाज का डर है, अपने बिरादरी का डर है, अपने इज्जत प्रतिष्ठा और समाज में अपने रुतबे का डर है। एक तरफ स्वाति है जो अपने भाई को उसके मनपसंद जिंदगी जीने में उसका सपोर्ट कर रही है। स्वाति चाहती है उसके भाई को उसका लाइफ पार्टनर वैसा मिले जिसे वो प्यार करता है। और एक तरफ प्रकाश और दीपक है जो दोनों एक दूसरे के चाहते हुए भी एक दूसरे से इतने दूर हैं। तो फिर अब इस कहानी का आगे का अंजाम क्या होगा, जानने के लिए सुनिएगा फ्रेंड्स मोहब्बत या कुर्बानी, इसी कहानी की एपिसोड 13 कल के श्रृंखला में। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आप अपनी मन की बात प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए हमेशा अपने से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए, अपने से छोटे को माया ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्य वचन के साथ मैं आप सभी का प्रिय आरजे दोस्त अरुण गिरी भी आज की श्रृंखला से विदा चाहता हूँ। फ्रेंड्स हमेशा खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।